पहला सबब मेरे भाइयों वो है हमारे नौजवानों का यूरोप से मुतासर होना, मगरब से मुतासर होना। यूरोप को मगरब को अपने से बेहतर ख्याल करना, अपने से बरतर ख्याल करना और ये समझना कि वो हमसे आगे निकल गए, वो हमसे अच्छे हैं और हम पीछे रह गए, ये सोच इल्हाद का सबब बनती है। क्यों? ऐसी सोच का मालिक बाद में इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो लोग इसलिए आगे निकल गए कि उन्होंने दीन से जान छुड़ा ली, उन्होंने मस्जिद से जान छुड़ा ली, उन्होंने चर्च से जान छुड़ा ली और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ईमान को खुदा हाफिज कह दिया। उनका ईमान है कि कोई रब नहीं है, इसी वजह से वो आगे निकल गए। और इसकी बरक्स सोच क्या होगी कि हम क्यों पीछे रह गए? दीन की वजह से, मस्जिद की वजह से, अल्लाह पे ईमान लाने की वजह से हम जकड़े हुए हैं कि सूद हराम है। तो ये सोच कि यूरोप हमसे बेहतर है, वो हमसे अच्छे हैं और हम उनके सामने कुछ नहीं है, ये सोच बाद में इल्हाद के अकीदे अपनाने का सबब बनती है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे लोगों के बारे में बहुत पहले कह दिया है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरतिहुम गाफिलून। दुनियावी मामलात को जानते हैं, आखिरत से गाफिल हैं, बेखबर हैं, ला इल्म है। अल्लाह ने ऐसे लोगों की मुज़म्मत बयान की है और हम उनको अच्छा समझे। बड़ा ताज्जुब होता है हमारे कई दोस्तों के ऊपर जो बड़ी मासूमियत से जुमला अदा कर रहे होते हैं कि यूरोप के लोग सब मुसलमान हैं, बस एक कलमा पढ़ने की देर है। यानी कि उनका अखलाक, उनकी आदात, उनकी खसलतें, उनकी सिफात सब इस्लाम के मुताबिक हैं, हालांकि सब बातें झूठ हैं, गलत हैं। और 11 सितंबर के बाद जो वहां पे मुसलमानों के साथ सलूक किया गया उसने वादे तौर पे बता दिया कि उनके यहां अखलाक कितना है और उनकी सिफात कितनी आला है। आज यूरोप में जो मुसलमान रहते हैं उनसे पूछिए कि कई दफा हमारी कोई मुसलमान बहन सर पे कपड़ा लेकर जा रही होती है, चेहरे का पर्दा भी नहीं किया होता और बगैर किसी वजह के कोई यूरोपीय नौजवान आएगा उसे धक्का दे देगा। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई तलखी नहीं हुई, कोई चपकलश नहीं हुई बिला वजह। तो बहरहाल पहला सबब इल्हाद फैलने का क्या है जी? यूरोप से मुतासर होना, काफरों से मुतासर होना, उन्हें अपने से बेहतर समझना। याद रखिएगा, हकीर से हकीर मुसलमान अच्छे से अच्छे काफर से बेहतर है, गंदे से गंदा मुसलमान आला से आला काफर से बेहतर है। इसके पास तौहीद की नेमत है और वो काफर मुशरिक रब का मुनकर है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। चे जाए कि हम ये कहें कि वो हमसे बेहतर है।